नमस्कार, मौसम विज्ञान समाचार के साथ मैं हूँ जितेंद्र दांगी। मौसम विज्ञान समाचार में आज बात होगी, आने वाले 48 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना। प्रशांत महासागर में लगातार मजबूत अलनीनो की स्थिति बनी हुई है, जबकि इंडियन ओशन डाइपोल एक बार फिर से पॉजिटिव स्थिति में पहुंच चुका है, जिसके मानसून के शुरुआत तक लगातार बने रहने की संभावना है। दोस्तों, मौसम समाचार में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मौसम की ताज़ी जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब जानते हैं मौसम समाचार को विस्तार से। इस समय देश के मध्य और पूर्वी भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में प्री मानसून वर्षा का दौर देखने को मिल रहा है। गरज चमक के साथ तेज तूफानी हवा के साथ ओलावृष्टि, कई स्थानों पर तेज बारिश हुई है। इस दौरान मराठवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिली है। आने वाले 24 घंटे के दौरान 7 राज्य में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इस समय देश के अलग अलग क्षेत्र में कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हो चुके हैं। इसका सीधा असर देश के मध्य और पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, इसके चलते बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएं मध्य भारत तक पहुंच रही है। वहीं विदर्भ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड तक एक पूर्वी पश्चिम में ट्रफ बनी हुई है। इसके चलते आने वाले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग, धमतरी, बालोद, बाजार, कांकेर, रायपुर, महासमुंद, बस्तर में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। कई स्थानों पर ओलावृष्टि, तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में भी भारी बारिश होने की संभावना है। 24 घंटे के दौरान सुरबनापुर, बालांगीर, कालाहांडी, रायगढ़, जाजपुर, बालेश्वर, भुवनेश्वर, केंद्रू, झरगढ़, मयूरभंज, भद्रक में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। कई स्थानों पर तेज तूफानी हवा चलने की संभावना है, जहाँ पर कई स्थानों पर बिजली की चमक के साथ मौसम का मिजाज बदलेगा, जहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा झारखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, पूर्वी पश्चिमी मिदनापुर, बांकुर में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है, जहां पर भी सावधानी बरतनी चाहिए। बिजली की चमक के साथ जहां पर तेज तूफानी हवा चलने की भी संभावना है। वहीं ओलावृष्टि की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, विदर्भ के चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक के साथ कई स्थान पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। 24 घंटे के बाद बिहार, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य में भी हल्की से मध्यम बारिश, कई स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर 21 मार्च को आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अब जानते हैं आने वाले दिनों के दौरान देश में कैसा मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहाँ पर 2 दिन के बाद तापमान बढ़ेगा। पश्चिम भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, कई स्थानों पर गुजरात, महाराष्ट्र में 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं 24 या 25 मार्च से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच सकता है। 25 मार्च के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान, इसके अलावा राजस्थान के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के आसपास अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है, जहां पर भीषण गर्मी दस्तक दे सकती है। मौसम समाचार में बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं इनसो स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा अपडेट के बारे में। बीते सप्ताह प्रशांत महासागर में लगातार अलनीनो की स्थिति बनी हुई है, लेकिन तापमान में गिरावट देखने को मिली है। नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान इस सप्ताह 0.92 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि इससे पहले 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बना हुआ था। वहीं इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो एक बार फिर से हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान बढ़ा है। इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव स्थिति में पहुंच चुका है। इस सप्ताह 0.86 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ चुका है, और मानसून आने तक यानी अप्रैल, मई, जून तक इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति बनी रहने की संभावना है। दोस्तों, यह थी मौसम की ताज़ा खबर। हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।